सिटी में सर्विस करते वक्त हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली होती है कि ये जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो वाइट कलर की लाइंस होती है जो आपको दिख रहा है, इसके पीछे हमें रहना चाहिए। हमारा जो स्टैंड होता है वो पीछे होना चाहिए। और जो सर्विस हम लोग करते हैं यहाँ से, तो सर्विस का जो हम लोग हाथ होता है वो ऐसा स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसे बॉल को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। ऐसे होल्ड करके रहेंगे तो सामने वाला जो हमारा ओपोनेंट है वो बॉल को देख नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा जो पाम होना चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। तो जो दूसरा रूल होता है वो बॉल के थ्रो पर होता है कि हमें बॉल कितना थ्रो करना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बॉल को बिल्कुल है ना बंद किया हुआ है और डायरेक्टली ऐसे फेंक दिया बॉल को। तो ये जो बॉल को बंद करके मैंने किया है वो बिल्कुल ही इलीगल है, इससे नहीं करना है। यहाँ पे एक और है हमारा, देख रहे हैं आप कैसे है ना करेक्टली बॉल को ऊपर उठाया और फेंका है। तो इस तरीके से हमें सर्व करना होता है और बॉल को थ्रो करना पड़ता है। जो एक और रूल होता है सर्विस करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, वो होता है कि बॉल को हम जब सर्विस करते हैं तो नीचे ऐसे छुपा के, टेबल के नीचे नहीं होना चाहिए और बॉल को बिल्कुल ऐसे छुपा हुआ नहीं होना चाहिए कहीं से भी। मेन बेसिकली यही होना चाहिए, जब भी हम लोग बॉल सर्व कर रहे हैं सामने वाले ओपोनेंट को अच्छे से दिखना चाहिए हम लोग कहाँ से बॉल फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। हम लोग ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत है। तो सही तरीका है, आप देख सकते हैं कैसे है ना आर्यन ने करके दिखाया आपको। इस तरीके से हम लोग बॉल को करेक्टली शो करते हुए ओपोनेंट को सर्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सर्विस कैसे करते हैं, उसके बेसिक रूल्स क्या होते हैं, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने मेरी जो पिछली वीडियोस है कि बेसिक स्ट्रोक्स हम लोग कैसे लगाते हैं वो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या आप ऊपर कार्ड में चेक कर सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसे ही मैं वीडियोज़ बनाते रहूँगा TT से रिलेटेड। टिल देन गुड बाय।